bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum i hope you all are fine and staying safe and happy i am your gk teacher Ms. farheen and i welcome you all to your gk class my dear students as you know that we are on unit number six that is changing world and today i will deliver its third lecture so my dear students we will start with the recap of the previous lecture listen to the questions very carefully pause the video and then answer them

कैसे वो इवॉल्व कर रही है वी विल डिस्कस दैट टुडे सो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक्स ओ बिलीवर्स फास्टिंग इज प्रिस्क्राइब फॉर यू एज इट वाज प्रिस्क्राइब फॉर द पीपल बिफोर यू सो दैट यू मे बिकम वाइज सो माई डियर स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको पहले बता रही हूँ कि रिलीजन इज द ओनली थिंग विच विल नॉट चेंज विद द टाइम ऑल द टीचिंग्स विल रिमेन द सेम सो माई डियर स्टूडेंट्स एम प्री रीडिंग क्वेश्चन क्विकली टेल मी वॉट डू यू थिंक हाउ द डेवेलपमेंट इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट आकर यानी कि जो डिफरेंट चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द उनमें जो एवोल्यूशन है या उनके अंदर जो चेंज है वो तो क्यों होता है वी इवॉल्व दैम यानी कि उनको हम चेंज इसलिए करते हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इसलिए लेकर आते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए इस पिक्चर से यू कैन हैवे लुक कि आपको पैदल अगर जाना पड़ेगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम सो इफ यू विल गो ऑन एन एनिमल इट विल टेक द लेस टाइम सो अगर आपको और भी कहीं दूर जाना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है सो यू नीड शिप्स जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं बट शिप्स विल टेक अ लॉट मोर टाइम सो फॉर दैट दे एवॉल्व ट्रेन देन बाईसाइकिल्स देन कार्स एंड फाइनली द एरोप्लेन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर सो ये आपका टाइम भी सेव करती है आपको जल्दी भी लेकर जाती हैं आपका कंफर्ट लेवल भी इंक्रीज होता है इस तरीके से यू कैन से कि हम अपनी सहूलत के लिए अपने आराम के लिए अपने कंफर्ट के लिए चीजों को इवॉल्व करते जा रहे हैं चेंज करते जा रहे हैं उनके अंदर डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर फोर्टी इन योर जी के थ्री बुक्स आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेज सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ व्हील Quickly read with me, put your fingers where I will read. Things change over time. When we study chronological order, we come to know how things evolve. Let's see the story of a wheel in a sequence. Most experts think wheels develop slowly in many years. It is possible that a single person may not invent it. सो माई डियर स्टूडेंट्स आज हम क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं एक व्हील की लाइफ में यानी कि जो उसकी टाइम लाइन उसकी जो टाइम लाइन है कैसे जो है वो इवॉल्व हुआ पहला व्हील कैसा दिखता था क्या वो मॉडर्न व्हील से किस तरीके से डिफरेंट था और कैसे जो है उसकी डिफरेंट स्टेजेस आई एवोल्यूशन की वो हम पढ़ेंगे आज और ये कहा जाता है कि व्हील को व्हील को एवॉल्व होने में बहुत सारे साल लगे तो इसका मतलब ये है कि किसी एक शख्स ने इसको डेवलप नहीं किया ये विद टाइम जो है इसको डेवलप किया गया है मुख्तफ लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स हैव एट द गिवन इन योर बुक क्रोनोलॉजी मीन्स टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स सो वट इज अ टाइम लाइन टाइम लाइन इज एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ इवेंट्स दैट इन हिस्ट्री सो माय डियर स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजी जो है वो टाइमलाइन होती है यानी कि वक्त होता है uh, मुख्तलिफ इवेंट्स का अकर होने का और टाइम क्या होती है टाइम वो टाइम होता है जो कि हमें एक एक्चुअल पिक्चर देता है कि इस वक्त में जो है ये चीज़ ऐसी दिखती थी फिर उसके बाद इसमें यह एवोल्यूशन हुई फिर उसके बाद इसको इस तरीके से डिवेलप किया गया और फाइनली ये आजकल जो है ये ऐसी दिखती है सो दिस इज़ अ होल टाइम ऑफ समथिंग एंड दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी तो आज हम व्हील की क्रोनोलॉजी जो है वो पढ़ेंगे सो फर्स्ट लुक एट द पिक्चर गिविन हेयर कि कैसे जो है वो व्हील जो है वो डिवेलप हुआ पीपल यूज टू ड्रैग थिंग्स पिकअप थिंग्स देन द्रैगिंग दैम विथ रोप्स फिर उन्होंने उनको क्या किया कि जब वो ड्रैग करते थे तो उन्होंने उसके नीचे प्लैंक्स लगा लिए वुडन प्लैंक्स और उन वुडन प्लैंक्स की एजेस के ऊपर उन्होंने लकड़ियाँ बांधनी शुरू कर दी जिससे उनको लगता था कि वजन को खींचना जो है वो आसान हो गया उसके बाद उन्होंने जो वो प्लैंक्स थे जो वो एजेस के ऊपर जोड़ते थे उन्होंने उनको और बड़ा कर दिया और उनको दरमियान में से उनके सुराख कर दिया अब ये कुछ कुछ व्हील की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं बट दीज ऑल वर वुडन इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्होंने उनको जानवरों के साथ बांधना शुरू कर दिया एंड उनको एक प्रॉपर जो है वुडन व्हील की शक्ल दी उसके बाद इन्होंने इनको मेटल से बनाना शुरू किया फाइनली 1845 में जो है वो पहला इन्फ्लेटेड व्हील जो है आ, वो इवॉल्व हुआ था एयर फिल्ड व्हील यानी कि जिसके अंदर हवा भरी गई थी जो कि जैसे आजकल हमारे व्हील्स होते हैं इस टाइप का वो कुछ व्हील था और ये एक स्कॉटिश इन्वेंटर ने इसको इन्वेंट किया था और उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता जो है अब आपको व्हील की एक प्रॉपर शक्ल नज़र आती है जो कि कम्फर्टेबल भी है जो कि तेज भी लेकर जाता है हमें और जिसने जो है हमारे टाइम को बहुत ज्यादा बचा लिया है सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स रीड इट आउट वन बाय वन सो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर फिफ्टी क्विकली ओपन इट ओके लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट इन अर्लियर डेज रोप्स वर टू ड्रैग थिंग्स जस्ट लाइक दिस ओके जो कॉर्नर उसके ऊपर लॉग जो है उनको बांधना शुरू कर दिया आफ्टर दैट दे फाउंड आउट दैट पुटिंग वुडन लॉग्स अंडर लोड कैन हेल्प मूविंग थिंग्स ईजिली दे स्टार्ट यूजिंग बिर बिगर वुडन लॉग्स ठीक है अब आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही उनको पता चला कि बड़े वुडन लॉग्स जो हैं वो लगाने से वजन जो है उसको आराम से घसीटा जाता है तो उन्होंने बड़े बड़े वुडन लॉग्स जो हैं उनको एंड्स पे बांधना शुरू कर दिया और उनके दुरा दरम्यान में से सुराख कर दिए इन द नेक्स्ट स्टेप दे कट अवे द इनर पार्ट्स ऑफ द वुडन लॉग टू मेक एन एक्सेल दैट वर्क लाइक वी अब उन्होंने इनके इनर पोर्शन uh, को कट करना शुरू कर दिया सुराख कर दिया इनके बीच में ताकि जो है ये व्हील की तरह एक्ट करना शुरू करे और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया इनके बीच में सुराख करके और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया यानी कि इस तरीके से बांध दिया दिस इज वन व्हील लेट मी शो इट टू यू दिस इज वन व्हील एंड दिस इज द अदर व्हील इनके दरमियान में जब इन्होंने सुराख किए तो दोनों के दरम्यान में वुडन लॉग्स लगा दी अब ये व्हील की तरह इकट्ठे जो है वो रोटेट होने शुरू हो गए थे so but these बट दीज वुन नेक्स्ट दिस इज द फर्स्ट रोमन चैरियट ठीक है ये जो है ये पहला वुमेन chariot है रोम में इस तरीके के होते थे और उसके अंदर वुडन व्हील होते थे एयरफील्ड और फिर इसके अंदर भी इन्वेंशन हुई मेटल जो है वो व्हील बनने शुरू हो गए और फिर उसके बाद एयरफील्ड टायर्स एयर फिल्ड टायर्स वर्स्ट इनवेंटेड इन एटीन रॉबर्ट थॉम्पन एंड इनको कैरेजेस में, um, में यूज करना शुरू किया और इससे हमें ये पता चला कि जो राइड है राइड जो है इट बिकेम वेरी स्मूद और ये फ्रिक्शन फ्री थी एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी फास्ट नेक्स्ट क्या किया इन्होंने नाव अडेज पीपल मूव थ्रू मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकल्स कार्स बसेज एरोप्लेन एक्सेट्रा तो आजकल जो है मॉडर्न वहीकल जो है जो आप लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एयर फिल्ड रबर टायर्स टायर्स लगे हुए होते हैं एंड दे आर सुपर फास्ट दे आर कंफर्टेबल एंड दे रिड्यूस द फ्रिक्शन और जब किसी भी चीज़ की फ्रिक्शन कम हो जाती है तो वो उतना ही तेज मूव करती है और उतना ही स्मूथ मूव करती है सो दिस इज द क्रोनोलॉजी और द टाइम लाइन ऑफ द व्हील हाउ द व्हील एवॉल्व फ्रॉम अ वुडन लॉग टू एन एयर फिल्ड फिल्ड टायर तो आप देखेंगे कितना लंबा इसका सफर है कि एक लकड़ी से शुरू होकर एक एयर फिल्ड रबर टायर के ऊपर जाके जो है ये आजकल um, जो है हम रबर टायर यूज कर रहे हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस सो अगेन स्टोरी ऑफ कार्स तो जिस तरीके से आपने Uh, एक टायर की स्टोरी बनी है तो जरा कार की स्टोरी को एवॉल्व करके देखें यहाँ पे आपके लिए तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं फर्स्ट कार जो थी दे हैड स्टीम एंजन फिर उसके बाद गैसोलीन इंजन देन डीजल इंजन एंड नाउ टुडे द मॉडर्न कार्स आर हाइब्रिड कार्स ठीक है तो आपने इसको कहना है कि स्टीम इंजन जो थे दो कार्स वर वेरी स्लो इतनी स्पेशियस भी नहीं थी फिर उसके बाद गैसोलीन कार्स आई

आई होप यू हैव डन इट ये टोटली जो है एक सेल्फ राइटिंग के ऊपर है आप लोग खुद अपनी सोच से जो है इसको इवॉल्व करें कि कैसे जो है वो गाड़ियाँ उनके अंदर एवोल्यूशन हो रही है ओके माई डियर स्टूडेंट्स देन यू विल डू राइटिंग प्रैक्टिस गिवन ऑन पेज नंबर फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फाइव डू यू थिंक दैट डिस्कवरी ऑफ व्हील हैज मेड ह्यूमन लाइफ ईजियर इफ ये देन हाउ सो ऑफकोर्स

So, the first tire was evolved in 1845. I was right. Okay, my dear students, now is the time for evaluation. So, for evaluation, you will move forward towards listening and speaking for assessment given on page number 51. So, I will ask the question number 7 and 8 what is meant by chronological order? It is the timeline of the events happening in the past. Okay. Next, explain in sequence that how did wheels transform. First, the people um, used to carry the load or drag the road uh, load with the ropes. Then they started wooden planks and they tied the, their ends with the wooden uh, logs. Then they started making bigger wooden logs. Then they made holes in the uh, wooden logs and then uh, 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 in 1985, uh, 1945. 1845 sorry the first air-filled tired was invented so this is the chronological order of the invention of wheel so my dear students for homework you will do independent activity number three given on page number 48 what you need to do is do you think the future will be better than the present time in terms of communication and transportation write at least five lines Aapko kya lagta hai ke future will be better than present jo aapka of course, because with the development, we think that our future will be even more comfortable. Compare past things with that of present. Also, collect the relevant pictures and paste them in your notebook. Very easy. Visit a museum and record the changes in communities over time. सो so, आपके स्कूल जो है आपको म्यूजियम ले जा सकता है या यू कैन ऑल्सो विजिट इट योर सेल्फ विद योर पेरेंट्स और वहाँ आप देखें कि कैसे जो है वो चीज़ें चेंज हुई हैं आपको पुराने वेपन्स नज़र आएंगे वहाँ आपको डिफरेंट पॉट्स नज़र आएंगे बर्तन नज़र आएंगे आर करेंसी नज़र आएगी विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम टुडे सो हम ये कह सकते हैं कि जो वक्त आ रहा है या आने वाला है दिस विल बी इनशाला मोर बेटर Uh, again, then you will do home activity number two. Draw, collect the pictures of the first wheel and how it evolved. Make an extensive pictorial timeline of the wheel's history with the help of your parents. So, my dear students, aapko wheel you have a collect Here you can see I have collected the picture. So, oldest wheel, then it developed into this, then this, and then into this air filled tire, which is modern, fast, and smooth so my dear students this is how you will collect the pictures and make a chart with the help of your parents and then present it in your class so my dear students what have we learned today today we learned that in earlier days ropes were used to drag things air filled tires were first invented in 1845 by scottish inventor robert thompson so my dear students today we learned the chronology of uh, wheel how it changed with the time, how it evolved, and how you with the wheel that you see today is way more different than the wheel that was in the past. So, my dear students, I hope uh, you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.